दोस्तों आयुष्मान कार्ड बनाने की प्रक्रिया जो है हम आपको खुद से बताएंगे कि किस तरह से आप अपना आयुष्मान कार्ड को अपना बना सकते हैं अपना खुद से। तो कैसे आपको बनाना है, तो ऐसे में पहले आयुष्मान कार्ड जो बनता था, पहले आपका लिस्ट में नाम रहता था तभी आपका आयुष्मान कार्ड बनता था। पहले बहुत कड़ा नियम था इसका कि जब आपका आयुष्मान कार्ड लिस्ट में नाम है, आयुष्मान लिस्ट में नाम है तभी आपका जो है आयुष्मान कार्ड बनता था। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे बदलाव किया गया, जैसे आपका फिर आपका लेबर कार्ड हो गया या फिर आशा वर्कर हो गया, ये सब में नाम बना रहता था तो उसमें आपका नाम रहता था आयुष्मान लिस्ट में तब बनता था। अब जो है राशन कार्ड में नाम रहता है, राशन कार्ड से अब बनना स्टार्ट हो चुका है, राशन कार्ड से बन जाता है, राशन कार्ड में नाम है तो राशन कार्ड से आपका बन जाता है। उसके बाद अब जो है जैसे कि आपका राशन कार्ड में नाम भी नहीं है या फिर कहीं पर भी नाम नहीं है, तो ऐसे में आपका उम्र जो है 70 साल से ऊपर है तो उन लोगों का जो है आयुष्मान कार्ड बनेगा, उन लोगों का जो है आयुष्मान कार्ड बनना ज़रूरी है क्योंकि बुढ़ापे का समय आ गया है, तो बनना बेहद ज़रूरी है आयुष्मान कार्ड। और इसमें सिर्फ आधार कार्ड से ही उनका जो है बन जाएगा, उनका सिर्फ आधार कार्ड लगेगा, उनका आधार कार्ड से ही सिर्फ बन जाएगा। तो इसमें जो है ये भी प्रक्रिया जो है स्टार्ट हो चुका है, 70 साल से जिनका उम्र ज़्यादा है उनका भी बनना स्टार्ट हो चुका है। तो ऐसे में आप अपना बनाएंगे कैसे, बनाने की प्रक्रिया इसी वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप हम बताएंगे, तो वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा तभी आपको ये पूरी जानकारी आपको समझ में आएगा किस तरह से आप अपना आयुष्मान कार्ड को बना सकते हैं। चलिए हम चलते हैं अपने स्क्रीन पर, हम आपको विस्तार से समझाते हैं किस तरह से आप बना सकते हैं। दोस्तों स्क्रीन पर आने के बाद पहले आपको इस वेबसाइट पर आ जाना है, तो इस वेबसाइट का लिंक हम आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे देंगे जहाँ से आप इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। इस वेबसाइट पर आने के बाद यहाँ से आपको इस तरह से आपको इंटरफेस खुल कर आ जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से आपको इंटरफेस खुल कर आ जाएगा। आप आयुष्मान कार्ड बनाना हुआ और भी आसान, इस तरह से यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं आप लगवाती अपने आयुष्मान कार्ड को अपने ऐप के माध्यम से भी आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा, तो अब अपना बिना CSC ID के आप किस तरह से बनाएंगे, तो यहाँ से आपको पहले लॉगिन पेज पर आ जाना है। यहाँ से लॉगिन पेज पर आने के बाद यहाँ से आपको यहाँ से पहले से ही बेनिफिशियरी चूज हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर दो ऑप्शन है, एक बेनिफिशियरी है और एक ऑपरेटर है। तो यहाँ से आपको बेनिफिशियरी को चूज करना है, अगर आप बिना CSC ID को बनाना चाहते हैं अपना आयुष्मान कार्ड को, तो यहाँ से आपको बेनिफिशियरी को चूज करना है। अगर आप यहाँ से ऑपरेटर को चूज करते हैं तो ऑपरेटर आईडी उन्हीं को मिलता है जिनका CSC ID होता है, मतलब उनका जिनका CSC सेंटर होता है उन्हीं को ये ऑपरेटर आईडी मिलता है। यहाँ से आपको ऑपरेटर आईडी को नहीं चूज करके यहाँ से आपको बेनिफिशियरी को चूज करना है। यहाँ से बेनिफिशियरी को चूज करने के बाद यहाँ से अपना मोबाइल नंबर को एंटर करना है, जो भी अपनी अपना मोबाइल नंबर को यहाँ से अपना डालना चाहते हैं अपना मोबाइल नंबर को डालना है। अब यहाँ से अपना मोबाइल नंबर को फिल करने के बाद यहाँ से आपको वेरीफाई वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं यहाँ से अपना मोबाइल नंबर को इंटर करके, तो यहाँ से आप जैसे क्लिक करते हैं वेरीफाई पर, तो इस तरह से आपका जो है मोबाइल नंबर पर 6 डिजिट का OTP चला जाएगा। इस तरह से देख सकते हैं, इस तरह से लोडिंग ले रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं जब तक लोडिंग ले रहा है तब तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। तो अब आपको इस तरह से इंटरफेस खुल कर आ जाएगा, यहाँ पर ऑथराइज्ड मोड मोबाइल OTP यहाँ से सिलेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से आपका जो नंबर हुआ यहाँ से देख सकते हैं, और यहाँ पर आपका जो है 6 डिजिट OTP किया होगा अपना मोबाइल पर, तो यहाँ से अपना OTP को इंटर कर देना है। अब यहाँ से अपना OTP को इंटर करने के बाद, OTP इंटर करने के बाद यहाँ से आपको ध्यान से अपना कैप्चा को फिल कर देना है, कैप्चा को फिल कर देना है ध्यान से। कैप्चा को फिल करने के बाद यहाँ से आपको लॉगिन वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है, ये सब पूरा डिटेल फिल करने के बाद यहाँ से लॉगिन वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। जैसे यहाँ तो अब आपको इस तरह से आपको इंटरफेस खुल कर आ जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं बेनिफिशियरी पोर्टल लॉगिन हो चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से आपका लॉगिन पेज खुल कर आ जाएगा, यहाँ से लॉगिन हो जाएगा। तो इस तरह से आ जाएगा इंटरफेस, तो यहाँ से आपको स्कीम में यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से पहले से यहाँ आपका स्कीम चूज हुआ है, यहाँ पर PMJ, तो यहाँ से आपको यहाँ से चूज कर PMJ चूज देना है, यहाँ से आपको छेड़छाड़ नहीं करना है। यहाँ से अपना अब यहाँ से अपना स्टेट को चूज करना है, यहाँ से अपना स्टेट को चूज करना है। स्टेट को चूज करने के बाद यहाँ से सब स्कीम भी यहाँ पर देख सकते हैं, स्कीम भी यहाँ से अपने आप चूज हो चुका है, यहाँ से आपको छेड़छाड़ नहीं करना है। उसके बाद यहाँ से अपना डिस्ट्रिक्ट को चूज कर लेना है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा यहाँ से अपना डिस्ट्रिक्ट को चूज करना है। यहाँ से अपना डिस्ट्रिक्ट को चूज करने के बाद यहाँ से अब यहाँ से सर्च बाई में, यहाँ से सर्च बाई में, यहाँ से अपना अगर यहाँ से अपना सर्च बाई में यहाँ से अपना फैमिली आईडी से भी देख सकते हैं, और यहाँ से अपना आधार नंबर से भी देख सकते हैं, और यहाँ से अपना नेम से भी देख सकते हैं, लोकेशन रूरल से और लोकेशन अर्बन से, और PMJ आईडी से भी आप अपना देख सकते हैं। तो यहाँ से हम अपना आधार नंबर को यहाँ से चूज करते हैं, और यहाँ से अपना आधार नंबर को हम यहाँ से फिल करेंगे। तो जैसे यहाँ फिल करते हैं,
अब यहाँ से अपना आधार नंबर को फिल करने के बाद यहाँ से अपना देखना चाहते हैं अपना आधार नंबर को, तो इस तरह से अपना देख सकते हैं। यहाँ पर आपका आधार नंबर शो कर देगा। उसके बाद यहाँ से हम अब यहाँ से आपको सर्च वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है, सर्च वाले लोगों पर क्लिक करना है, इस तरह से क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो इस तरह से आपको इंटरफेस खुल कर आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आधार नंबर डालकर जैसे ही आप सर्च करते हैं तो आपको इस तरह से आपको इंटरफेस खुल कर आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से आपको इंटरफेस खुल कर आ जाएगा। यहाँ पर आपका जो राशन कार्ड में पूरा नाम होगा आपका फैमिली का, यहाँ पर पूरा निकल कर आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जिन काम कर रहे हैं इनका तीन कैंडिडेट का नाम है। इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं तीन कैंडिडेट का नाम दिखा रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं और किन्हीं का भी नहीं बना हुआ है आयुष्मान कार्ड। यहाँ पर देख सकते हैं KYC स्टेटस में इस तरह से दिखा रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं अनडिफाइंड, मतलब कि किन्हीं का ये तीनों का नहीं बना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं तो यहाँ पर आपका यहाँ पर फैमिली आईडी भी यहाँ पर आ जाता है। और यहाँ पर फादर सब कुछ नहीं, मैंने यहाँ पर आपका रिलेशन मतलब कि आपका संबंध किससे किससे है यहाँ पर देख सकते हैं। इस तरह से आपका मोबाइल नंबर भी यहाँ पर आपका आ जाता है। और यहाँ पर KYC स्टेटस यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर कार्ड स्टेटस नोट जनरेटेड यहाँ पर देख सकते हैं तीनों का नहीं बना है। और एक्शन पर यहाँ पर आप क्लिक करके यहाँ से आप आगे का प्रोसेस आप कर सकते हैं, मतलब कि आप यहाँ से आप क्लिक करके यहाँ से आप बना सकते हैं। जिनका भी आप बनाना चाहते हैं तो यहाँ से आप क्लिक करके यहाँ से आप बना सकते हैं। जैसे ही हम यहाँ से KYC पर हम क्लिक करते हैं तो हम इस तरह से आपको लोडिंग ले रहा है और इस तरह से आपको इंटरफेस खुल कर आ जाएगा। ऑथराइज यूर सेल्फ यूजिंग आधार नंबर, मतलब कि आप अगर यार यहाँ पर आपका आधार नंबर शो कर देगा और यहाँ पर आपका आधार नंबर शो कर देगा और यहाँ पर आपको वेरीफाई वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर का जो यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ से आपको आई एग्री यस आई विश टू क्रिएट लिंक अवॉइड विथ PMJID पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ से आपको अलाउ वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। अलाउ वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ से देख सकते हैं आधार जो है वेरीफाई हो चुका है। यहाँ पर देख सकते हैं आधार जो है वेरीफाई हो चुका है। उसके बाद यहाँ से ऑथोराइजेशन मोड को यहाँ से आपको चूज कर लेना है, मतलब कि आप अगर आप आधार OTP से करना चाहते हैं तो यहाँ से आपको आधार OTP को चूज करना है। अगर आप आधार फिंगरप्रिंट से करना चाहते हैं तो हमसे अपना आधार फिंगरप्रिंट को चूज करना करना है। अगर आप आधार इरिस से करना चाहते हैं, मतलब कि आप हक से करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें यहाँ से आधार OTP को चूज करते हैं। उसके बाद यहाँ से जैसे ही आप चूज करते हैं तो आपका जो है आधार जो रजिस्टर नंबर होगा उस पर आपका जो है 6 डिजिट का OTP चला जाएगा, आपको OTP चला जाएगा आधार का। अपना OTP को इंटर कर देना है। यहाँ पर देख सकते हैं बेनिफिशियरी आधार OTP और यहाँ से बेनिफिशियरी मोबाइल OTP, जिनका ये ID लॉगिन है तो उनका भी मोबाइल पर OTP गया होगा। तो यहाँ से अपना OTP को यहाँ से बेनिफिशियरी मोबाइल OTP को यहाँ से अपना फिल कर देना है और यहाँ से अपना आधार OTP को भी आप यहाँ से फिल कर देना है। यहाँ से आपको ध्यान से यहाँ से आप जैसे ही अपना OTP को यहाँ से आप फिल करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर वेरीफाई ले रहा है। इस तरह से देख सकते हैं दोनों OTP वेरीफाई हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से आपको टिक लग जाएगा आपका OTP वेरीफाई। जैसे ही आपका हो जाएगा तो इस तरह से आपको टिक लग जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं तो उसके बाद यहाँ से ऑथेंटिकेट पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं ऑथेंटिकेट पर तो इस तरह से आपको पेज खुल कर आ रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से आपको पेज खुल कर आ जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं लोडिंग ले रहा है। इस तरह से आपको पेज खुल कर आ जाएगा। यहाँ से सेलेक्ट बेनिफिशियरी यहाँ से पहले से ही यहाँ पर सेलेक्ट है जिनका आप बना रहे हैं, यहाँ पर पहले से ही उनका सेलेक्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं उसके बाद यहाँ से आपको KYC यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आप अपना आधार OTP से करना चाहते हैं तो यहाँ से अपना आधार OTP को चूज करना है। अगर आप फिंगरप्रिंट से करना चाहते हैं तो यहाँ से अपना फिंगरप्रिंट को चूज करना है। अगर आप इरिस स्कैन से करना चाहते हैं तो यहाँ से इरिस स्कैन को चूज करना है। तो हम यहाँ से अपना आधार OTP को यहाँ से हम चूज करते हैं और यहाँ से हम वेरीफाई वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपका आधार पर भी OTP जाएगा और बेनिफिशियरी जो मोबाइल नंबर से ये लॉगिन ID है उनका नंबर पर भी OTP जाएगा। तो यहाँ से अपना OTP को यहाँ से वेरीफाई वाले विकल्प पर आपको क्लिक करके यहाँ से आपको यहाँ से टिक लगा देना है। टिक लगाने के बाद यहाँ से अलाउ वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बेनिफिशियरी आधार OTP और एक बेनिफिशियरी मोबाइल OTP क्लिक करना है। अब यहाँ से दोनों OTP को यहाँ से जैसे ही आप फिल करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर लोडिंग ले रहा है। इस तरह से लोडिंग ले रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से लोडिंग ले रहा है। यहाँ पर देख सकते अब यहाँ से पूरा आधार OTP वेरीफाई करने के बाद यहाँ से आपको फोटोग्राफ का ऑप्शन मिल जाता है और यहाँ पर मैचिंग स्कोर यहाँ पर आपका देख सकते हैं, अपना स्कोर को यहाँ पर देख सकते हैं।
ये 75% पूरा मैच किया है यहाँ पर आधार से, और यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यहाँ से अपना फोटोग्राफ कैप्चर फोटो पर क्लिक करके अपना फोटो ले लेंगे। और अपना पीसी या लैपटॉप से कर रहे हो तो अपना पीसी या लैपटॉप में अपना वेब कैमरा जरूर लगा ले, तभी आप अपना कैप्चर फोटो को कर सकते हैं। तो यहाँ से हम कैप्चर फोटो पर हम यहाँ से क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इस तरह से कैप्चर करने का ऑप्शन खुल जाता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं मेरा फोटो जो है इस तरह से आ रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो हम यहाँ से अपना कैप्चर वाले विकल्प पर आप क्लिक करके अपना फोटो को हम कैप्चर कर लेते हैं। देख सकते हैं हम अपना फोटो को कैप्चर कर लिए हैं। कैप्चर करने के बाद यहाँ से प्रोसेस्ड वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना। अगर आपका फोटो खराब आ रहा होगा तो यहाँ से आपको न्यू पिक्चर वाले विकल्प पर क्लिक करके अपना फोटो को फिर से अपना कैप्चर को कर लेना है। तो यहाँ से और यहाँ से प्रोसेस्ड पर जैसे हम क्लिक करते हैं तो आपका जो है फोटो सेव हो जाएगा, यहाँ पर आपका फोटो जो है सेव हो जाएगा। तो हम यहाँ से कर लेने के बाद यहाँ से अब आता है डू यू हैव ए मोबाइल नंबर। अगर आपके पास मोबाइल नंबर होगा तो यहाँ से यस करना, अगर आप नहीं डालना चाहते तो यहाँ से नो वाले विकल्प पर आप क्लिक करके यहाँ से नो कर देना है। तो हम यहाँ से अपना मोबाइल नंबर को फिल कर रहे हैं, तो यहाँ से अपना मोबाइल नंबर को यहाँ से फिल कर देंगे। मोबाइल नंबर को फिल करने के बाद यहाँ से आपको वेरीफाई वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपको जो भी आप यहाँ से अपना मोबाइल नंबर को फिल किए होंगे तो आपको मोबाइल नंबर पर 6 डिजिट का OTP जाएगा। तो हमें अपना OTP को यहाँ से अपना फिल कर देना है, यहाँ से अपना OTP को यहाँ से फिल कर देना है। OTP फिल करने के बाद देख सकते हैं OTP वेरीफाई हो चुका है, इस तरह से देख सकते हैं। अब यहाँ से अपना ईयर ऑफ डेट ऑफ बर्थ, अगर आपका यहाँ से डेट ऑफ बर्थ गलत होगा तो यहाँ से अपना डेट ऑफ बर्थ को चूज कर लेना है, डेट ऑफ बर्थ को चूज कर लेना है। डेट ऑफ बर्थ को चूज करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं रिलेशन विद फैमिली हेड, मतलब कि आप रिलेशन क्या है, तो यहाँ से अपना रिलेशन को चूज कर लेना है। रिलेशन को चूज करने के बाद यहाँ से आप अपना पिन कोड को यहाँ से अपना डाल देना है, जो भी आपका पिन कोड होगा यहाँ से अपना पिन कोड को यहाँ से फिल कर देना है। पिन कोड को फिल करने के बाद यहाँ से अपना डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर आपका स्टेट आ जाएगा, और यहाँ से अपना डिस्ट्रिक्ट को चूज कर लेना है। डिस्ट्रिक्ट चूज हुआ है, या फिर आपका रूरल है तो यहाँ से रूरल को चूज करना है, अगर आपका अर्बन है तो यहाँ से अर्बन को चूज कर लेना है, यहाँ से पहले ही से चूज हुआ है। और यहाँ सब सब डिस्ट्रिक्ट को यहाँ से अपना चूज कर लेना है, यहाँ से सब डिस्ट्रिक्ट होगा जो भी आपका होगा यहाँ से अपना चूज कर लेना है। यहाँ से अपना विलेज को चूज कर लेना है, जो भी आपका विलेज होगा यहाँ से अपना विलेज को चूज कर लेना है। विलेज को चूज करने के बाद इसके बाद यहाँ से आपको सबमिट वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ से सबमिट करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका जो है आयुष्मान कार्ड बन चुका है। यहाँ पर देख सकते हैं EKYC इज कम्प्लीटेड, प्लीज डाउनलोड द आयुष्मान कार्ड आफ्टर सब टाइम, मतलब कुछ देर बाद आपका जो है आयुष्मान कार्ड बनकर रेडी हो जाएगा, तो अपना डाउनलोड कर लेना है। यहाँ से आपको ओके कर देना है। ओके जैसे ही करेंगे तो यहाँ पर आपको होम पेज पर लिख चला आएगा, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं EKYC स्टेटस वेरीफाई अप्रूव्ड हो चुका है, आपका कार्ड जो है अप्रूव्ड हो चुका है। और यहाँ पर देख सकते हैं अगर एक्शन में यहाँ से डाउनलोड का लोगो आ चुका है, यहाँ पर डाउनलोड कार्ड का ऑप्शन आ चुका है। तो यहाँ से आप डाउनलोड कार्ड पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपका इस तरह से अभी डाउनलोड नहीं होगा, अभी तुरंत बना है तो यहाँ पर आपको डाउनलोड नहीं होगा। तो कुछ देर बाद अपना उसी तरह से अपना लॉग इन करके अपना आधार नंबर को फिल करके अपना इसी तरह से आप देखेंगे और यहाँ से डाउनलोड वाले विकल्प पर आप क्लिक करेंगे तो आपका जो है OTP मांगेगा, उसके बाद अपना आधार को अपना आयुष्मान कार्ड को आप डाउनलोड कर लेना। दोस्तों उम्मीद होगा कि आपको ये जानकारी आपको अच्छी लगी हुई, तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसी जानकारी पाने के लिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।